Hello students, so today we are going to discuss on a very important topic. What is the difference between the Indian Institute of Actuaries and the UK Institute of Actuaries? मैं आपको कुछ basic points बताता हूँ. जो पहला difference है वो है fees का. Indian Institute में roughly जो आपका exam fees का जो range है that is 12,000 to 15,000 and जो IFO Institute है वहाँ पर जो आपका approximate fees लगता है that is 18,000. So हर exam में आपको रफली 5,000 का एक गैप मिलेगा. दूसरा है मेंबरशिप फीस में, जैसे कि वहां पर आपको रफली 15,000 का गैप मिलेगा. एंड तीसरा है आपका रिन्यूअल में, वहां पर भी आपको 5,000 पर एनम का एक गैप मिलेगा. IIL इज ऑन द चीपर साइड एंड IFO इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड. अब बात करते हैं एक जो कॉमन मिथ है कि IIL बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एंड IFO जो है वो बहुत ज्यादा ईजी है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. IFO इज स्टेबल. IFO का जो रिजल्ट है वो 20-25-30%, बट IIL का जो रिजल्ट है वो बहुत वोलेटाइल है. जो रिजल्ट है वो आपका रेंज करते हैं फ्रॉम एज लो एज 5% टू एज हाई एज 40-50% ऑल्सो. सो पेपर टू पेपर डिपेंड करता है, टर्म टू टर्म डिपेंड करता है कि क्या पासिंग परसेंटेज है. अगर आपके मन में है कि आपको IIL से करना है तो आप IIL से करिए, अगर आपके मन में IFO से तो आप IFO से करिए. एक और डिफरेंस की बात करेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम है. IIL से अगर आपको पेपर देना है तो आपको पहले एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट व्हिच इज ACET सबसे पहले आपको वो क्लियर करना पड़ेगा. उसका जो सिलेबस है वो एक मिनी कैट टाइप का सिलेबस है जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं. IFO इंस्टीट्यूट या तो CM1 या फिर CS1 दोनों ने या तो CM1 या फिर CS1 को एज एंट्रेंस ट्रीट करता है. एक और जो मिथ मेरे पास में आता है कि मैं इंडिया में रहता हूं, मेरे को जॉब तो इंडिया में करना है, तो क्या मैं अगर यूके बॉडी से करूंगा तो क्या मेरा जॉब सेम रहेगा या फिर मेरा पैकेज सेम रहेगा? द आंसर इज यस. 80-90% ऑफ द कंपनीज को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं. मैटर यह करता है कि आपने उस पेपर में सीखा क्या है, ठीक है. मैटर ये करता है कि आपने उस पेपर में क्या लर्निंग आउटकम्स निकाले, आपने कितना रिगरसली कितने अच्छे मन से उस पेपर को पढ़ के उसको क्लियर किया, ठीक है. मार्क्स और इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से उतना मैटर नहीं करता. इंटरव्यू में आपको ग्रिल किया जाएगा आपके नॉलेज बेस के ऊपर में कि आपने पेपर से क्या लर्निंग निकाला है. तो अगर आप IIL से कर रहे हो या फिर आप IFO से कर रहे हो, दोनों इंस्टीट्यूट में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि IFO का इंडिया में एक्सेप्टेंस नहीं है. जॉब वाइज मैं ये बोलूंगा 80% कंपनीज को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता. डेफिनेटली अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, चैलेंजिंग है ये तो मैं बोल ही रहा हूँ कि चैलेंजिंग है. ऐसा नहीं कि खाली IIL के स्टूडेंट्स ही प्लेस होते हैं, बहुत सारे फेलो एक्चुअरीज है जो लोगों ने IFO से क्लियर किया है, जो लोगों ने IIL से क्लियर किया है एंड दे आर वेल प्लेस्ड इन द इंडस्ट्री. इंडियन इंस्टीट्यूट से क्लियर किया है तो क्या मेरा ग्लोबल रिकॉग्निशन होगा? द आंसर इज यस. आप इंडियन इंस्टीट्यूट से फेलो एक्चुअली बन के आप फॉरेन में काम कर सकते हो. तो जॉब वाइज ऐसा मिथ बिल्कुल मत रखिएगा कि सिर्फ IFO से ही जॉब है या फिर सिर्फ IIL से ही जॉब है, दोनों का इक्वल एक्सेप्टेंस है. मैटर क्या करता है कि आपने इंटरव्यू में कितनी अच्छे से तैयारी की है एंड आपने इंटरव्यू में कितनी अच्छे से उन लोगों को आंसर किया है. तो मिथ है जो स्टूडेंट्स के मन में है कि अगर मेरे को फॉरेन में जाके काम करना है तो मेरे को IFO से करना पड़ेगा, वैसा बिल्कुल नहीं. एक और जो IFO एग्जाम्स घर से हो रहे हैं क्योंकि उसमें कोई प्रॉक्टरिंग नहीं हो रहा है तो उनका क्रेडिबिलिटी एकदम जीरो हो गया है. देख एक चीज बोलना चाहूंगा, एग्जाम्स ओपन बुक हुए हैं तो एग्जाम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एग्जाम्स बहुत चैलेंजिंग हो गए. वही बच्चा कर पाएगा पूरा पेपर जिसने बहुत अच्छे से पेपर की तैयारी की है. जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एग्जाम्स अगर ओपन बुक हुए हैं तो वो चैलेंजिंग भी हो गए हैं. और एक चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा दोनों इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते वक्त इस कि दोनों इंस्टीट्यूट का मटेरियल बिल्कुल सेम है. सो दोनों इंस्टीट्यूट के सिलेबस में कोई भी फर्क नहीं है. आप IIL का स्टडी मटेरियल देख लो, IFO का स्टडी मटेरियल देख लो, उसमें कोई भी फर्क नहीं है. सो कंटेंट जो कवरेज है वो बिल्कुल सेम है. की पॉइंट्स ये है, आप जॉब आपका इक्वल एक्सेप्टेंस है दोनों इंस्टीट्यूट का. और अगर आप देखोगे फीस में IIL थोड़ा चीपर है, रिजल्ट में IFO थोड़ा रिजल्ट में भी हम लोग बोल सकते हैं IFO का रिजल्ट थोड़ा बेटर होता है, बट अगर IIL से भी बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है उसको वो एक बार पैटर्न समझ में आ जाए या फिर उसको वो प्रोसेस समझ में आ जाए कि किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है, देन डेफिनेटली स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली क्लियर भी कर रहे हैं, बहुत लोगों का रैंक भी आ रहा है. सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड मटेरियल बिल्कुल सेम है, ठीक है ना. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन IIL एंड IFO. एंड क्रेडिबिलिटी की अगर बात करें तो देखो IFO में भी अगर पहले 15 नंबर का डायरेक्ट बुक वर्क देता था तो अब उतना बुक वर्क नहीं आता है, पूरा कमेंटिंग बेस्ड नॉलेज बेस्ड पे क्वेश्चन आता है जो हार्डली आपको डायरेक्टली मटेरियल से मिलेगा, तो वहां पर आपको अपना नॉलेज लेवल अप्लाई करना होगा, ठीक है ना. सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो ऑन द डिफरेंस बिटवीन IIL एंड IFO. थैंक यू सो मच.